नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत माइती वेस्ट बंगाल से। आज का टॉपिक है फ्यूचर ऑफ नेटवर्क बिजनेस। नेटवर्क बिजनेस का भविष्य क्या है? आने वाले दिनों में लगभग 2025 साल तक नेटवर्क बिजनेस का टर्नओवर लगभग 64-65 हजार करोड़ होने वाला है। इससे हमारा हिस्सा क्या हो सकता है, इसके बारे में डिटेल्स डाटा के साथ बात करेंगे। तो आखिर तक वीडियो में बने रहिए सर, क्योंकि इसमें से इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहले हम बात कर लेते कुछ फॉरेन कंट्रियों का, जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहां पे पॉपुलेशन है 32 करोड़ 32 करोड़, वहां का पॉपुलेशन है, लेकिन वहां का नेटवर्क बिजनेस का जो टर्नओवर होता है ना, 1,12,000 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर होता है वहां पे। हमारे इंडिया में पॉपुलेशन 132 करोड़, यूएसए में 32, यहाँ पे 132, 132 करोड़ पॉपुलेशन, और यहाँ पे टर्नओवर नेटवर्क बिजनेस का ओनली 7-8 हजार करोड़। आप इमेजिन कर सकते हैं सर कि आने वाले दिनों में नेटवर्क बिजनेस का क्या भविष्य होने वाला है। 2025 तक इस बिजनेस का वॉल्यूम लगभग 64-65 हजार करोड़ होने वाला है। इसमें से हमारा हिस्सा क्या होगा, पहले एक बात क्लियर कर देते सर। जीरो कभी 10 नहीं होता, 10 कभी 100 नहीं होता, 1,000 नहीं होता, 1,00,000 नहीं होता। 1-10 होता है, 100 होता है, 1,000 होता है, लाखों होता है, करोड़ होता है। तो वो एक शुरुआत हम लोगों को करना है सर। शुरुआत नहीं करेंगे ना तो ये जो टर्नओवर होने वाला है ये हम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। आप भी रहेंगे, अगर मैं भी नहीं रहूंगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये टर्नओवर होने वाला है। इसलिए हम लोगों को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा और बहुत सारे नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ेगा। नेटवर्क बिजनेस का मेन पॉजिटिव पार्ट है कि इस बिजनेस में कोई भी ज्वाइनिंग हो सकता है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप इस बिजनेस में ज्वाइनिंग हो सकते हैं। और इस बिजनेस का नेगेटिव पार्ट यही है कि हर कोई ज्वाइनिंग हो सकता है। एक्चुअली नेटवर्क बिजनेस प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। अगर आप फॉरेन कंट्रियों की तरफ देखेंगे तो देखेंगे वहां पे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में नेटवर्क बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है, वो ट्रेनिंग लेता है, उसके बाद नेटवर्क बिजनेस में फील्ड में नामते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में अभी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर पढ़ाई शुरू हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करता है, मान लीजिए कोई एक नया बंदा ज्वाइनिंग हुआ, वो प्रोफेशनल में डॉक्टर है, तो डॉक्टर आया नेटवर्क बिजनेस करने के लिए, तो वो क्या करता है, डॉक्टर का जो दिमाग है वो दिमाग यहाँ पे लगाता है। ये एक चीज में चूक जाते हैं आप मैक्सिमम लोग। ट्रेडिशनल मार्केट का आप हो सकते हैं बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, हो सकते हैं इंजीनियर, हो सकते हैं डॉक्टर, लेकिन वो डॉक्टरी यहाँ पे अगर दिखाएंगे तो यहाँ पे बिजनेस नहीं होगा। हम लोगों को सीखना है और सीखने का पूरा एटीट्यूड लेके ही बिजनेस करना है। इसका ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना है, जो सोशल मीडिया के जरा भी हो, अभी कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, ऑनलाइन के जरा भी हो, एक्चुअली नेटवर्क बिजनेस का मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग ऑक्सीजन होता है। ये नहीं रहेंगे तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। और एक मेन पार्ट सर, ध्यान से सुनिएगा सर, मेरा एक्चुअली कोलाघाट में PUC है, दुकान है, उस दुकान में आज एक सांप घुस गया था, रियल बता रहा हूं, आज एक सांप घुस गया था। मैंने क्या किया, एक डंडा लेके आया, फिर उस सांप को भगाया। लेकिन सर वो सांप अगर शिवलिंग के ऊपर दिख जाए तो मेरे को क्या करेंगे हम, जय बाबा भोलेनाथ। ये करना है, बहुत सारे अभी नेगेटिविटी आ रहा है बाहर से, इंडिया के जो कल्चर है ना, अभी नेटवर्क के जैसा मेंटिटी अभी फिक्स नहीं हुआ है, बहुत सारी नेगेटिविटी आ रहा है हम लोगों के पास। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये कैसा बिजनेस हुआ, ये बिजनेस नहीं चलेगा, बहुत सारी नेगेटिविटी आता है, लेकिन हम लोगों को वो ओवरकम करना है। जब हम ओवरकम करके वो सक्सेस का शिवलिंग पे चले जाएंगे, वो सक्सेस का मंच पे चले जाएंगे ना, वो नेगेटिव सारे आदमी नीचे बैठ के हम लोगों के लिए ताली बजाएगा सर, उस दिन के लिए से तैयार हो जाइए। और आपने अगर नेटवर्क बिजनेस ज्वाइनिंग किया है तो आपका जिम्मेदारी है यहाँ पे सक्सेस होना सर। चलिए सर, मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो
सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय आरसीएम, जय भारत।